हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़ीरोधा की ऐप में हम अलर्ट कैसे सेट कर सकते हैं। किसी स्टॉक प्राइस का अलर्ट अगर हमें सेट करना है तो वीडियो को मैं आप पूरा एंड तक देखिए। जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा उसको आप फॉलो वैसे कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो मैं ज़ीरोधा के अकाउंट में लॉग इन हुआ हूँ, ज़ीरोधा काइट के मेरे अकाउंट में। सो मेरा ज़ीरोधा का इंटरफेस है और ये मेरी वॉच लिस्ट है, ठीक है। सो ये मेरी पूरी वॉच लिस्ट है जहाँ पे मैंने स्टॉक्स को ऐड करके रखा है। सो आपको ज़ीरोधा में किसी कंपनी को ऐड करना है तो उसको भी कैसे करना है वो भी मैं एक बार यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। किसी कंपनी को, किसी स्टॉक्स को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। सो ये मेरा वॉच लिस्ट है। इसमें मैं देखिए ये सर्च बार जो यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे मैं कंपनी का नाम टाइप करता हूँ। जैसे मुझे रिलायंस ऐड करना है तो मैं रिलायंस यहाँ पे टाइप करता हूँ। सो रिलायंस मेरे वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो गई, ओके। सो मैं यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करता हूँ, रिलायंस पे। मुझे अगर रिलायंस का अलर्ट सेट करना है, उसकी रिलायंस की करंट प्राइस है 3201 रुपये, रिलायंस की करंट प्राइस है। सो मैं यहाँ पे रिलायंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिलायंस का डिटेल्स आ गया। तो इसको मैं थोड़ा नीचे स्क्रोल करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अलर्ट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। सो आपको क्या करना है, इस अलर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके। मैं यहाँ पे अलर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अलर्ट के ऑप्शन पे आने के बाद आपको जो प्राइस पे अलर्ट सेट करना है, अभी रिलायंस की करंट प्राइस है 3201 रुपये, ये यहाँ पे शो हो रहा है मुझे। और इसका अलर्ट चाहिए कि रिलायंस अब अगर 3100 पे, मतलब 3100 पे जब आ जाएगा तब मुझे इसका अलर्ट मिलना चाहिए, या फिर इसकी जो प्राइस अगर बढ़ती है, मतलब अभी फ़िलहाल इसका प्राइस है 3001, अगर मैं चाहता हूँ कि रिलायंस की प्राइस अगर 3250 रुपये पे जाए, मतलब जब इसकी प्राइस 3250 पे जाए तब मुझे अलर्ट आए, तब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आप देखिए, मतलब बढ़ने की प्राइस का, अभी करंट प्राइस से मुझे जब इसकी प्राइस 3250 पे जाएगी तब मुझे इसका अलर्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, लास्ट प्राइस, ग्रेटर दैन, और ग्रेटर दैन के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको प्राइस डालना है। यहाँ पे मैं डालता हूँ 3250। अब यहाँ पे जब भी रिलायंस की प्राइस 3250 पे जाएगी मुझे यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा मेरे मेल पे, या फिर मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे डीमैट अकाउंट पे। ये प्राइस डालने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। मैं क्रिएट पे क्लिक कर दिया, अब मेरा अलर्ट यहाँ पे सेट हो गया, ओके। सो ये अलर्ट सेट हुआ कि नहीं हुआ आपको ये कैसे पता चलेगा, इसको कैसे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आना है ऑर्डर में। ऑर्डर में आने के बाद आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं अलर्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है अलर्ट का, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए अलर्ट के ऑप्शन पे। आप यहाँ आपको देखिए अलर्ट आपको पता चल जाएगी, जो मैंने पहले से सेट करके रखा है अलर्ट, इसका डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी देखिए मैंने जो रिलायंस का अलर्ट सेट किया है वो यहाँ पे अपडेट हुआ है क्या, वो हम चेक करते हैं। रिलायंस का जो अलर्ट मैंने यहाँ पे डाला था, यहाँ पे अपडेट हुआ क्या मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको शायद नीचे गया होगा, ओके। सो मैं रिलायंस का, ये देखिए ये रिलायंस का एक मेरा पुराना अपडेट ये था, अलर्ट था, वो डिसेबल हो गया है, वो प्राइस को ऑलरेडी रिलायंस ने क्रॉस कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे जो अभी अभी मैंने अलर्ट सेट किया है वो यहाँ पे आ गया, वो इनेबल शो हो रहा है। सो आप इसी हिसाब से अलर्ट आपके मोबाइल में सेट कर सकते हैं। कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।